गूंजे खाटू श्याम के जयकारे, शहर से गुजरी शोभा यात्रा। श्री श्याम प्रेमी के संघ की ओर से सोमवार को लखनऊ से खाटू धाम सीकर राजस्थान के लिए निकली पदयात्रा नगर में प्रवेश हुई, जिसमें नगर के भक्तों ने खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना कर यात्रा के पदाधिकारियों का फूलमाला से जोरदार स्वागत किया। संघ के पदाधिकारी ने बताया कि ये लखनऊ से प्रारंभ हुई, जो सीकर राजस्थान खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचेगी। यात्रा में श्याम भक्त श्याम नाम की पताका के लिए 51 निशान ध्वज श्याम भक्त निशान लहराते हुए चल रहे थे। निशान ध्वज यात्रा की धूम पूरे नगर में देखने को मिली। यह निशान यात्रा लखनऊ से सीकर राजस्थान खाटू धाम तक 30 दिवसीय पदयात्रा कर रही हैं, जो कि 5 जनवरी को पहुंचेगी। वहीं पदयात्रियों व श्याम निशान भजन गायकों द्वारा श्याम बाबा के तथा बालाजी महाराज के भजन सुनाते हुए उन्हें स्फूर्ति प्रदान करते रहे व श्याम नाम समा बनाए रखा। साथ ही पूरे रास्ते क्षेत्रीय लोगों द्वारा श्रद्धालुओं पर पुष्प की वर्षा की गई। उधर श्याम प्रेमी संघ की महिलाएं भी श्याम बाबा के भजनों पर झूमते हुए जुलूस में चलती दिखी। वहीं श्रद्धालुओं ने खाटू श्याम के जयकारे व भजनों पर झूमते रहे थे, जिसमें सभी प्रेमियों ने मिलकर श्याम बाबा को रिझाया व रास्ते राहगीरों व क्षेत्रीय लोगों को प्रसाद बांटते हुए चल रहे थे। वहीं स्थानीय लोगों एवं पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा। यात्रा है, पैदल यात्रा है, लखनऊ से चालू हुई है 5 दिसंबर को और 5 जनवरी को श्री खाटू श्याम जी राजस्थान पहुँचे खत्म होगी। क्या यात्रा का उद्देश्य है, क्या संदेश दे रहा है? यात्रा का उद्देश्य बाबा का प्रचार प्रसार और जो संपूर्ण विश्व कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, इससे बाबा सबको उबारे, ये उद्देश्य है यात्रा का। कितने लोग यात्रा के साथ चल रहे हैं? 50 लोग।